हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस नए एपिसोड में ऑफ रैंच सिमुलेटर, जिसका बहुत दिन से इंतजार था। पहले एक काम कर लो, आप लोगों का स्वागत तो कर दिया मैं, ये काम कर लेने दो मुझको। यस, मारा गया। इसका मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे की हो चुकी है कमी, और अभी एक गलती हुई मेरे से। मैंने आधा एपिसोड पूरा रिकॉर्ड कर लिया, मतलब 30 मिनट से ज्यादा का एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया, पर मैंने माइक ही नहीं ओपन किया था, जिसकी वजह से माइक में आवाज ही नहीं गई। और मैंने कुछ काम किए, मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं वापिस से। तो मैंने क्या किया, मैंने बैंक से लोन लिए। बैंक से लोन लेने के बाद मैंने कुछ कुछ किया। पहले इसको स्किन कर लेते, रुको, पहले इसको स्किन कर लेते, नहीं तो ये गायब भी ना हो जाए। पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी, इसके लिए बैंक से लोन लेना पड़ा। अभी मैंने आपके सामने इस हिरन को मारा, ऐसे मैंने 4-5 हिरन को मारे और कुछ कुछ पैसे जमा किए, बट वो पैसे के अपने को बहुत कमी पड़ रही थी, इसके लिए वो पैसों का कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लेने के बाद मैंने लेके आई एक बकरी, बकरी और बकरा दोनों लेके आया। फिर मैंने एक फीड थ्रू बनाया है, लेकिन उसका सिर्फ मैंने वो बना रखा है, डिजिटल प्रिंट बना के रखा हुआ है, मैंने एक्चुअली में उसको बिल्ड नहीं किया। तो अभी अपन करेंगे उसको बिल्ड, क्योंकि बैंक का लोन लेने के बाद अपने पास कुछ पैसे आए हैं। और जैसे कि अपने को पता है कि इनिशियल डेज में अगर अपने को कमाना है तो अपने जानवर ही अपने को कमा के दे सकते हैं। फार्मिंग वगैरह तो अपन करते रहेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, देखो ये अपन, और अपने को खुशखबरी भाई, दो दो पिल्लू आए हैं, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये दो दो पिल्लू आए हैं। तो ये दोनों पिल्लू आ गए अपने पास, एक अपन ने बकरा लेके आया है और एक अपन ने लेके आए बकरी, सॉरी उल्टा बोल दिया, अपन ने एक बकरी लेके आए हैं और एक अपन ने लेके आए हैं बकरा। बकरा है, हाँ बकरा ही है, बकरा है ना, ये बकरी है, बरोबर बोला था मैंने, ये बकरी है। बॉडी के कुछ पार्ट से आप जान सकते हो कि वो बकरा है कि बकरी। अब अपन चलते बाहर, और मैंने ये डिजिटल प्रिंट बना के रखा हुआ है फीड थ्रू और वाटर का, और जाके अपन जा रहे हैं मेटल लेके आने के लिए। मेटल अपने को पता चल जाएगा उधर कितना लगने वाला है, 150 ऐसे कुछ तो लगने वाला है। बट उसके पहले अपन ना हार्डवेयर स्टोर जाके वो सब लेके आने से पहले, हार्डवेयर स्टोर इधर है तो अपन को जनरल स्टोर के तरफ जाना तो है, लेकिन अपन जनरल स्टोर नहीं जाएंगे, अपन जाएंगे सीधा हार्डवेयर स्टोर, और बाजू में बर्गर शॉट है ना, उस बर्गर शॉट पे जाकर के अपन अपना मीट तो बेच देंगे, और वहीं पे बाजू में हार्डवेयर स्टोर है, वहां से अपन जाकर के हार्डवेयर उठा के लेके आ जाएंगे। अपन सच्ची में इतना ज्यादा शॉर्टकट मार रहे ना बेटा, इधर से चल इधर। और अगर रास्ते में मैंने, मतलब आज का ना जो एपिसोड था, मैंने जब इसके पहले इंट्रोडक्शन दिया था वहां पे बताया था कि आज का जो एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ हंटिंग के ऊपर, सिर्फ करेंगे हम हंटिंग, और हंटिंग करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश की मैंने, बट यार $20-30 से कुछ ना होता। ये आ गया अपन हार्डवेयर स्टोर, पूरा सुपरमैन बनते हुए, भाई साहब आजा बेटा नीचे, अब क्यों शर्मा रहा, इतना उड़ उड़ के तो आई गया तू, यार इसको तोड़ बीड़ के अंदर घुस जाते तो कितना मजा आता था ना। चल ना बेटा निकलते यहाँ से, यार ये पूरा गेड़ के रखा, अंदर कहाँ से जाएंगे अपन, उधर से पूरा घूम के आना पड़ेगा। ओ भाई कैसा बाउंस होता है अपना गाड़ी है, ATV, ओ भाई फुल स्कीड। देखो अपने को चाहिए ना पहले तो, अरे भाई साहब यार वो ब्लू प्रिंट लगा के कोई मतलब नहीं, $500 का 50 है और अपने को 150 चाहिए ना कुछ। एक मिनट बिल्ड करने के लिए, एक मिनट भाई बिल्ड हो जा, ये देख रहो 125 मेटल चाहिए भाई, पूरा पैसा तो इसमें चला जाएगा, लेकिन अपना खाने पीने का झंझट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। 150 मेटल इधर चाहिए, मतलब 50 भाई, $500 का है, ना 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 ऐसे ना होता भाई, ऐसे ना होता, देखो मैं बता रहा हूँ, अरे भाई हाथ आ जा, हाँ ये देखो $500 का 50 प्लेट है, 50 प्लेट बोले तो भाई 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 ना, मैंने ले रहा, पानी का झंझट दूर कर सकते हैं अपन क्या, एक बार देखेंगे, रुको बिल्ड करेंगे पानी, 150 मेटल ना, नहीं हो रहा दोस्तों, ये ना कर रहे हैं अपन, अपने पास पैसे आए हैं अपन, खाली एक ही चीज करेंगे अपन, बस वो जो कैटल्स है वो लेके आएंगे, ये नहीं, पानी वीने का झंझट अपन हाथ से ही करेंगे, हाथ से ही भरेंगे अभी फिलहाल के लिए, जब तक अपने को थोड़ा बहुत पैसे ना हाथ में आ जाए, अभी सब में पैसे नहीं डालेंगे अपन। चल बर्गर शॉट किधर है, बर्गर शॉट हार्डवेयर के आजू बाजू ही था यार, ये रहा बर्गर शॉट, बेस्ट बर्गर, हाँ कुछ नहीं बदला मेनू में, और अपन जो भी है उसको बेच करके कुछ डॉलर्स जमा कर लेंगे, बैक करेंगे, अपने पास $1800 अभी और है, यस $1843 है, उसमें अपन जा करके सिर्फ और सिर्फ अपने गाय बकरियां ले रहे हैं, या फिर फार्मिंग के लिए भी अपन जुगाड़ लगा लेते हैं क्या उधर पे, सही बोल रहे हो, ट्रैक्टर वगैरह लेकिन खरीदना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या हाथ से फार्मिंग कर पाएंगे, मेरे को पता नहीं है फार्मिंग का कैसे होता है, चलो ट्राई मारते हैं ना, ट्राई मारने में क्या जाता है। एक मिनट, घर के तरफ जाने के लिए है जनरल स्टोर, कैशनटिल पीछे की तरफ, कहां यहां जा रहा है बेटा, सीधा शॉर्टकट मारने का, सीधा घर पे चलने का, चलो घर पे क्यों जा रहा हूं मैं, मेरे को तो जाने का जनरल स्टोर, ये रहा
यहाँ पे से चलो, ये रास्ता जनरल स्टोर का। जनरल स्टोर तो अपन आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों मेरे को है ना तुम्हारी अभी इधर हेल्प लगने वाली है। इधर नहीं, सामान तो मैं खरीद ले रहा हूँ, लेकिन करते कैसे हैं, उसका प्रोग्रेशन कैसे होता है ना, ये आप मुझको बताओगे। देखो मिल्किंग मशीन ये अपन ने इस्तेमाल किया है पहले भी, तो इसको इस्तेमाल करना मेरे को आता है। बट अभी अपन कैटल ले रहे हैं, क्या पता है एक कुत्ता लेते हैं क्या? नहीं यार, बेफिजूल का कुत्ता लेके मतलब नहीं। अपन एक काम करेंगे, डेरी काउ डेरी बुल लेंगे क्या? लेकिन ये मेरी गाड़ी में बैठेंगे ही नहीं, ये बहुत बड़े हो जाएंगे, हाथ से लेके भाग के जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। खाने के लिए कुछ अपन ना एक काम करते हैं, अपन खाने के लिए 10 ये ले लेते हैं, ठीक है ये कर लेते हैं। उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं ना, अपन हाँ अभी खेती करेंगे। देखो टोमेटो सीड, स्ट्रॉबेरी सीड $30 का, पंपकिन सीड जो है $10 का, बट इससे फायदा होगा मेरे को जहां तक की पता है। ये सारे सीड्स अपन ले लेते हैं, फिर देखेंगे अपन फार्म कैसे करते हैं। फर्टिलाइजर इधर $100 का है, एग्रीकल्चरल मेडिसिन नहीं है। ओके ओके ठीक है, कंपोस्टर है, इसका क्या करने का पता नहीं। वीट सीड भी है अपने पास, अपने को जो बैग लेके जाते हैं अपन वो होता है वीट बैग। तो एक काम करते हैं ना, ये सारी चीजें लेके जाने से पहले अपन लेके जाते हैं वीट सीड। भाई बहुत महंगा है वो तो, सबसे महंगा है कॉर्न सीड। तो अपन वीट सीड अगर अपन प्लांट करते हैं तो शायद अपन ना खाना भी प्रोड्यूस कर पाएंगे, पेट फूड भी है इधर पे। एक काम करते हैं, देखो एड टू कार्ट करते हैं, एक वीट सीड ठीक है, एक फर्टिलाइजर क्योंकि अपने को लगेगा, एग्रीकल्चरल मेडिसिन भी एक लगेगा तो वो भी ले लेते हैं, इतना कर लेते हैं। क्या बोलते हो, ये लेके मतलब है क्या? चेकआउट लेके रख लेते हैं, देखते क्या है। अपन जाके अपने इधर प्लांट करके देखेंगे होता क्या है उससे। तो अभी फिलहाल वो सारी चीजें आ गई मेरे पास, लेकिन लेके कैसे जाएंगे अपन, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है अपने पास। अभी वापिस जाएंगे और लेके जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे थोड़ी ना वे। ओके चलो ये नहीं जा रहा है, बाकी का ये मेडिसिन वगैरह तो चला ही जाएगा। फिलहाल अभी जो भी है इसको लेके चलते हैं। चल बेटा, ओ शेट मेरे को लगा ही ऐसा कुछ होएगा। ठीक है आता हूँ मैं, रुको। इन सब चीजों को रख करके अपन आते हैं और देखते हैं आज तो फार्मिंग कैसे होता है ये भी देखेंगे, सारी चीजें ट्राई कर लेंगे आज ही। तो अपन आ चुके वापिस अपने फार्म पे। ओ प्यार हो रहा है, प्यार हो गया रे, प्यार हो गया। दोनों में प्यार हुआ पर कुछ हुआ नहीं। अरे खुशखबरी तो दे दो, मैंने देख लिया इसीलिए। क्या भाई, प्यार तो हुआ दोनों में, खुशखबरी ना दे रहे हैं ये। 18 हो गया, एक और गोनी डालेंगे, ये हो जाएगा अपना पूरा का पूरा इसमें का ईटिंग फीड थ्रू जो है फुल। चलो बेटा, ये मुर्गियों ने फिर से अंडा दिया है भाई, हो गया ना 21 21 हो गया रहेगा। ये अंडा को उठाएंगे हम। यार बकरियों की खुशखबरी नहीं आई यार, अभी तो दिल मिले थे, दिले मिले 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 दिल मिले, अब किले 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 दिल खिले, जब दिल मिले तब दिल खिले। ये सब रख देते हैं अपन, ये सबका जरूरत नहीं है, तो इधर ही रख देते हैं और इसको उठाएंगे। लगा के रखते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेता है अपने को ये पूरा करने के लिए। ठीक है, और ये मेडिसिन, ये बास्केट उठा के भी इधर ही रख देते हैं, कोई फायदा नहीं। मेडिसिन उठा के अपन उसके अंदर रख देंगे घर के अंदर, ताकि ये घूमे नहीं, बहुत छोटा सा आइटम है ना। चल बेटा आ जा उतर इस पे से, खाने पीने वाला सामान तो आ गया अपने पास, बस कोई चोरी ना करके लेके जाए। चोर बहुत घूम रहे हैं अपने रांच में भाई। बेटा दवा दे इधर, इसको ओपन करो, इसको इधर रख दो। चल बाकी के सामान लेके आते हैं, वैसे तो रात होने आई है पर ठीक है कोई बात नहीं, सामान लेके आते नहीं तो वहां से भी चोरी हो जाएगा, बहुत गाड़ियां चलती है वहां पे। चल अपन ने सारा सामान तो कलेक्ट कर लिया, अब कल सुबह यहाँ पे आके देखेंगे, यहाँ पे नहीं आके देखेंगे अपन, देखेंगे ये कि फार्मिंग की कैसे जाती है। यहाँ से फिलहाल अपन निकलते हैं अभी अपने घर पे और थोड़ा सा आराम करते, दिन भर में बहुत काम किया भाई, बहुत थक गया है बंदा ये अपना। चल सोता हूँ दोस्तों, सुबह मिलता हूँ, गुड मॉर्निंग। चलो अभी एक काम करने का, अपने को देखने का है कि अपन फार्म कैसे कर सकते हैं ना, तो उसके लिए शायद से मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर लेके आना पड़ेगा और यहाँ पे ना वो करना पड़ेगा, मतलब बोलते हैं ना वो हल विल चलाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, रुको ये सारे बैग को एक्चुअली इधर ही गिरा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, अपने को कोई और ऑप्शन है नहीं, ये सब इधर ही रख देते हैं। चल बेटा जरा यहाँ पे वैसे खेती वाली जगह है, तो अगर मैं समझो ये वीट वाले बैग को लेता हूँ, आजा बेटा, और मैं अगर इधर प्लांट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा, प्लांट होगा क्या नहीं होगा, मेरे को वो चेक करने दो जरा। या फिर अपने को ट्रैक्टर लेके आकर के पूरा ऐसा काम करना ही पड़ेगा, जैसे बोलते हैं ना जोतना सोना। फिलहाल ये वीट बैग जो है ना इधर रख देते हैं अपन और जाते ट्रैक्टर देखते कितने का है, अगर ट्रैक्टर सस्ता या फिर रेंट पे मिलता रहेगा ना वो ले लेंगे अपन और फिर उससे भी शुरू करेंगे। फिलहाल खाना पीना तो भरपूर कर दिया मैंने अपने जानवरों के लिए, तो खाने पीने का तो टेंशन है ही नहीं, पीने का टेंशन रहेगा शायद से, पानी की कमी हो सकती है। तो अपन एक काम करेंगे, अभी अपन ट्रैक्टर वगैरह का बात करके ना तुरंत चलते उनको पानी भी पिला देंगे। एलियो कसा है, मला जरा एक ट्रैक्टर बघायचं आहे, तो ट्रैक्टर दिखाओ मेरे को। ये सब का कोई हेलो, अबे एक दुकान में कहां घुस के आ गया ये, मर गया मैं, मर गया मैं।
मर गया, मर गया। होली मोली मोली, दरवाजा बंद करके रखा कर भाई, दरवाजा बंद कर भाई। तुम लोग को नहीं काटता क्या, ये दोस्त है क्या तुम्हारा ये? वैसे अपने को मिल गया थोड़ा सा, तो मीट मिल ही गया। दो ही मीट आया यार, तीन मीट होना चाहिए। भाई ये कहाँ से कब से पीछे लगा हुआ था, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। घुस गया दुकान में काटने के लिए बाबा। तो गनीमत टाइम पे देख लिया मैंने मेनू, नहीं तो ये तो मेरे को मार ही डाला होता। अभी तो सेव भी नहीं किया मैंने, बताओ पूरा प्रोग्रेशन वेस्ट हो जाता था। ठीक है चलो। ए बेटा क्या इस सीडी में कुछ नहीं है? चलो मेरे को दिखा जरा, ट्रैक्टर दिखा तो मेरा बेटा। ये रहा ट्रैक्टर है 1200 का, मेरे पास कितना है? ओ शिट, हाँ 1200 आ जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि हार्वेस्टर भी है 2000 का। हार्वेस्टर तो अभी लेके मतलब नहीं है, अपने को चाहिए ट्रैक्टर। ठीक है बाई कर दूं? नॉट इनफ मनी, पैसे लेके आते, रुको एकदम जीरो हो जाएंगे अपन। अभी ये बेचेंगे ना अपन ये मीट, उसके बाद से अपन जो पैसा आएगा उसके बाद से अपन ये ट्रैक्टर अगर खरीदते हैं तो अपन जीरो हो जाएंगे। एक मिनट जरा एक ग्लिच ट्राई करते हैं। अगर मैं दीदी को बोलता, दीदी मेरे को और पैसे चाहिए, टेक क्रेडिट ना। अरे भाई पहले होता था ये, अब ना होता ये, कुछ ना हो रहा। ठीक है चलो बैग जाएंगे अपुन, और जाएंगे पहले ये बेच के आते, बेचने के बाद देखते कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है उसके हिसाब से अपन आगे का काम करेंगे। क्योंकि देखो पानी तो अब खरीदना नहीं है अपने को, पानी अपने पास वेल से आ जाएगा। खाना अपन ने ढेर सारा खरीद के रखा हुआ है, तो अपने जो गाय बकरियां, गाय तो है नहीं फिलहाल, बकरियां जो है उनसे काम हो जाएगा अपना, बकरियों और पिक से। तब तक अपने को अच्छा खासा अर्निंग करके दे देंगे ये। ओ शेट ओ शेट, यहाँ से भी जा सकते यार अपुन। गाड़ी जाएगी क्या मेरी? हाँ जाती है। ओ भाई साहब शॉर्टकट है। बेटा ये दो मीट बेचने के कितने लोगे तुम? यार कम से कम 1200 हो जाने चाहिए, फिर अपना काम हो जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा आज का। आज के लिए एकदम मतलब नल्ले हो जाएंगे अपुन। $30 आ रहे हैं? नहीं अभी भी मेरे को $20 की कमी हो रही है। $20 की नहीं मतलब $13 की कमी हो रही है। तो एक काम करते हैं ना, $13 की भी कमी अपन पूरी कर देते हैं। पैदल जाए क्या शिकार करने के लिए? पैदल अगर जाऊंगा ना मैं शिकार करने के लिए तो अच्छे खासे, लेकिन मैं लेके किस में आऊंगा है ना, तो फिर पैदल जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलो फिर ऐसे ही चलते हैं। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है मंजिले, सो गया है रास्ता। टिंग टोंग, ये आ गया अपने को नन्हा सा मी। चलो और एक को अगर अपन ऐसे तोड़ देते हैं तो अपना शायद काम हो जाना चाहिए। एक्चुअली अपना काम तो अभी हो जाना चाहिए, मतलब $30 तो इसके मिल ही जाने चाहिए। लेकिन फिर भी अपन एक काम करेंगे, फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन कोई एक और जानवर को ढूंढेंगे और उसको भी मारने की कोशिश करेंगे। एक और मिल गया हमें नन्हा परा, जो निकला विषम, ए विषम, ए विषम। भाई 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 खड़े रहना, ऐसे ही खड़े रहना। नहीं 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 भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। हाँ भाई ये चाहता था कि मैं इसको मारूं, पता है, नहीं तो फिर ये भाग नहीं जाता था। इसके पास बहुत मौके थे, लेकिन ये चाहता था कि मैं इसको मारूं और मेरे पास 1200 रुपए आए ताकि मैं ट्रैक्टर वगैरह खरीद पाऊं। भाई ये दिल की बात सुन लिया, ये वो हो गया टिकटॉकर जो गरीब की बात सुन करके भी ना मदद करने को आ गया। वो टिकटॉकर हो गया, ये वो वाला टिकटॉक हो गया ना टिकटॉकर। बर्गर शॉट, मैं आ रहा हूँ। मैं हूँ कहाँ वैसे? ये क्या है भाई? हेलो, उससे पहले ये क्यों है? चलो इसको स्कीन कर लेते हैं, इसको उठा लेते हैं। एक और आया नन्हा परा। यार ये घर किसका है मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे भी एक मटन गिरा है, यहाँ पे भी एक मटन गिरा है। दोनों के बीच में गाड़ी को खड़ा करते हैं और देखो इसको अच्छे से सजाएंगे अपने, ऐसे नहीं, नहीं तो अपने से होगा नहीं। ऑल राइट अपन ने बहुत सारा मीट है ना कलेक्ट कर लिया। अब अपन इधर पे देख सकते हैं कि ये है क्या। एक मिनट, ये वो है क्या दादाजी बोलता है अपने को, ये करके दो वो करके दो। हेलो बेटा, बेटा नहीं दादा है कि दादी है पता नहीं। ब्रेकफास्ट क्लीनिंग अनोइंग फॉक्स गुड बाय। अच्छा इसका अगर टास्क करेंगे अपने को पैसा मिलेगा तो अपन इसको ब्रेकफास्ट करवाएं क्या? माई डियर कुड यू प्लीज ब्रिंग मी सम एग एंड पोर्क फॉर माई ब्रेकफास्ट। पोर्क है नहीं, एग दूंगा नहीं, मेरे को कमाने का है। रुक जा, ब्रेकफास्ट नहीं, क्लीनिंग में क्या है? ड्यू टू माई एज आई कांट टेक केयर ऑफ माई रंच एज बिफोर, कुड यू क्लीन अप द गार्बेज ऑन माई टेरिटरी? ओ यस, एंड कुड यू ऑल्सो डिमोलिश ओल्ड विंड मिल टू प्लीज?
ए चल बाद में करता हूँ मैं, चलो इसको बाद में करते दोस्तों, लाइट ही नहीं चल तो फुल अंधेरा हो गया था भाई। चलो इसको बाद में करते हैं, अपन चलते हैं पहले अपने घर, ठीक है। ये लोकेशन लेकिन मेरे को याद रखने का है, बहुत दूर यहाँ किसी कोने में है। अभी फिलहाल चलते हैं अपन घर पे। अपना घर किधर है? अपना घर है कैसुनट हिल, यहाँ पे 400 मीटर पे है भाई, ये बहुत दूर है। लेकिन उससे पहले यार मेरे को ये बेचने की है ना यार, मेरे को तो ये बेचने की है, तो इस घर से अगर बेस्ट बर्गर जाता हूँ और फिर वहां से जाऊंगा, ठीक है। रास्ते में बेस्ट बर्गर भी है, पहले बेस्ट बर्गर होते हुए जाएंगे अपन। ये अपन आ गए हार्डवेयर स्टोर के, बेस्ट बर्गर, बेस्ट बर्गर है क्या बाजू में? हेलो, चलो अभी भी कुछ नहीं है, बीफ वगैरह है लेकिन बीफ तो अपन लाए नहीं, जो भी लाए $165 हो गया अपने पास भाई, $1300 बैग। अब अपन जा करके ना मस्त पैकी अपने ट्रैक्टर को लेके आ सकते हैं, और ट्रैक्टर को लेके आने के बाद फार्मिंग कर सकते हैं भाई। ए बेटा टर्न हो जा, टर्न हो जा भाई, टर्न हो जा, चढ़ जा चढ़ जा, नहीं चढ़ रहा, शॉर्टकट है ना अपन, मतलब इतना ज्यादा लेते हैं भाई साहब, क्या क्या पार कर रहा हूँ मैं। और पहुंच गया अपन अपने रांच। देखो दोस्तों कैसा है ना कि इधर वीट बैग रखा है मैं, ये गाड़ी एटीवी लेके जा करके तो ट्रैक्टर लेके आ नहीं पाएंगे, पेट्रोल लेने जाना पड़ेगा ना अपने को। तो मेरे पास वो कैन है, जेरी कैन, जिसके अंदर पेट्रोल रखा हुआ है, गैलन रखा हुआ है। अपन एक काम कर सकते हैं यार, अपन वो करना चाहिए कि अपने को गैलन लेके आना चाहिए, लेकिन अब मैं बहुत आगे भाग के आ चुका हूँ, मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ गाड़ी ट्रैक्टर लूंगा और इसको लेकर के इधर आऊंगा, देखता हूँ फार्मिंग कैसे होती है एक बार, वो तो ट्राई करेंगे ही करेंगे। और हाँ दोस्तों, तो अगर आप अभी तक एपिसोड में बने हुए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बे, मैं बोलता नहीं हूँ, तुम लोग करते ही नहीं हो बिल्कुल भी। और एक चीज, ये अगर फार्मिंग हो जाती है सक्सेसफुल तो ठीक है, नहीं होती है तो कमेंट करके जरा बताओ, फार्मिंग और वो जो ऑयल रिग का बिजनेस है वो कैसे कैसे करेंगे भाई, कर लेते। थैंक यू फॉर योर परचेस, वेटिंग इन योर पार्किंग लॉट। ठीक है आ जाओ। ओ, ट्रैक्टर भाई, ट्रैक्टर ये देख रहे हो, खतरनाक है भाई, महिंद्रा के कि जिसका है ऐसा, कुछ नाम तो दिख नहीं रहा है, कुछ तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ना ही महिंद्रा का है ना ही ट्रैक्टर। ओके क्या बोल रहा है, यूज द कल्टीवेट, अब कल्टीवेटर भी खरीदना पड़ेगा क्या? यूज द कल्टीवेटर टू प्रिपेयर द लैंड फॉर सीडिंग, एम्प्टी द सीड बैग इनटू द सीडर, सीडर भी लेना पड़ेगा टू प्लांट द क्रॉप, यूज द फर्टिलाइजर ट्रेलर टू स्प्रेड फर्टिलाइजर ओवर द सीड, स्प्रेडिंग स्पीडिंग अप द ग्रोथ, परचेज द हार्वेस्टर टू हार्वेस्ट देम। क्यों खरीदा मैंने ये ट्रैक्टर, मेरे को लगा हो जाएगा यार ये ट्रैक्टर से, यार क्या बोलेगा अभी। चलो ठीक है, कल्टीवेटर लेने का है, सीडर लेने का है और फर्टिलाइजर ट्रेलर लेने का है, तीन चीजें अपने को लेनी की, तीनों चीज इधर दिख रही है अपने को, तीन चीज लेने की है। अभी फिलहाल इस ट्रैक्टर को लेते हैं और घर की ओर चलते हैं। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं ना, अपन इसको पार्क करके रख देते हैं, और जब पैसे आएंगे, अब तो अपने पीक भी बड़े हो रहे, प्रोडक्शन भी हाई हो रहा है, तो अपने जब पीक बड़े हो जाएंगे ना, अपन उसको बेचेंगे और फिर अपने लिए कल्टीवेटर, सीडर और फर्टिलाइजर, ये तीन चीजें डालेंगे, फिर हार्वेस्टर खरीदेंगे अपन, ठीक है। फिलहाल इसको पार्क करके रख देता हूँ मैं भाई, ट्रैक्टर तुम एज अ शो पीस रहोगे हमारे कमरे में, बंद हो जाओ, इधर ही पड़े रहो। अभी अपन एक चीज देख लेते हैं कि अपने पिग, अपनी बकरियां, अपने मुर्गे ने क्या करामात दिखाया। अगर पानी की कमी हो रही है तो अपन पानी जो है उधर लेके जाके उसको भी फिल कर देंगे। मर गया? नहीं, जिंदा भाई, मेरे को डर लग गया मेरा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। नहीं नहीं लेकिन ठीक है, बकरी तुम्हारे बच्चे नहीं आए, बड़े बड़े लेंडे आ गए तुम्हारे बच्चे नहीं आए हैं, पानी कितना नहीं, पानी तो भरपूर है यार, ई टू फिल। अभी 15 लीटर वापिस से हो गया, फीडर में 7, भाई क्या खा रहे कि मजाक कर रहे हो तुम लोग। हेलो, चलो खाना डाल देते, एटलीस्ट खाना भी हो गया, पानी भी हो गया, भाई ऐसे ही बढ़ते रहना, खुशी सुखी से बढ़ते रहना, और मेरे को चाहिए ढेर सारा प्रोडक्शन तुम लोगों से। आई बात समझ में ना? समझे कि नहीं समझे? तो मिलता हूँ मैं कुछ दिन के बाद, वापिस से आता हूँ मैं, ठीक है, तुम लोग रहना ऐसे ही। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अपन कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को, अपन नेक्स्ट एपिसोड में जरूर फार्मिंग को पूरा करेंगे। आज इस बार फार्मिंग पूरा नहीं कर पाए क्योंकि अपन इन्फॉर्मेशन से थोड़े से कम थे, बट धीरे धीरे हो जाएगा वो चीज, क्या बोलते हो? तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।